नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको ट्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। SV हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह फॉर 11th, 12th IIT, G एंड NEET। ज्वाइन क्रैश कोर्स फॉर 12th। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेन्स वियर, गर्ल्स वियर, सारीज एंड किड्स वियर। आग की लपटों में अचानक घिरे बिजली के पोल पर आपस में उलझे तार, तालाब बड़ा हादसा। दरभंगा सोना लूट कांड में STF को बड़ी कामयाबी, कई जगहों पर सोना लूट कांडों को अंजाम देने वाला विकास झा गिरफ्तार। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, सदर अनुमंडल के सभी प्रखंडों को मिली राशि। धान अधिप्राप्ति विशेष अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। टेम्पो से पकड़ी गई शराब, मोटरसाइकिल से शराब सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार। दरभंगा हवाई अड्डे पर नीलगाय बनी सबसे बड़ी समस्या, कई बार हो चुकी है हाई लेवल मीटिंग। COVID-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 15,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए नाम जुड़वाने हेतु नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर जारी। बिहार में कोरोना के 622 नए मरीज, आंकड़ा 2,51,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,234। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज। और संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत चल रही परीक्षा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कुलपति। और समाचार विस्तार के साथ। आग की लपटों में अचानक घिरे बिजली के पोल पर आपस में उलझे तार, दरभंगा में टला बड़ा हादसा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे कॉलोनी में अचानक शॉर्ट सर्किट से बिजली के पोल में लग गई आग। कई तारों का झुंड एक साथ होने की वजह से आग ने गति पकड़ ली और इसके बाद धू धू कर पोल पर तारों के जलने का सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की और काफ़ी देर एवं मशक्कत के बाद स्थानीय लोग आग को बुझाने में कामयाब हो पाए। लगातार ऐसी घटनाएं इस इलाके में हो रही हैं, लोग यह भी बता रहे हैं, और बिजली के तारों का उलझे हुए रहने की वजह से, बेतरतीब ढंग से रहने की वजह से, शॉर्ट सर्किट एक दूसरे तार के सट जाने की वजह से होने की संभावना बराबर बनी रहती है। यह तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना बिजली के तारों में लगी यह आग खतरनाक रूप भी ले सकती थी। दरभंगा सोना लूट कांड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, कई जगहों पर सोना लूट कांडों को अंजाम देने वाला विकास झा गिरफ्तार। दरभंगा सोना लूट कांड में पुलिस को मिल सकता है बड़ा ब्रेक थ्रू, सोना लुटेरा के नाम से कुख्यात विकास झा गिरफ्तार। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से 55 किलो और मुजफ्फरपुर में 35 किलो सोने की लूट का मुख्य आरोपी रहा है विकास झा। सोना लूट कांड में दरभंगा पुलिस को मिल सकती है बड़ी सफलता। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से 55 किलो और मुजफ्फरपुर में 35 किलो सोने की हुई लूट के मुख्य आरोपित समस्तीपुर के विकास झा को मुंगेर में एसटीएफ ने धर दबोचा है। दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित सोना लूट कांड में
पुलिस को बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। विकास झा को दरभंगा पुलिस को सौंप दिए जाने की चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। याद दिलाए आपको, बड़ा बाजार स्थित मेसर्स अलंकार में पिछले 9 दिसंबर को 5 करोड़ के सोना लूटकांड में विकास झा दरभंगा पुलिस की रडार पर था। मुंगेर पुलिस की ओर से विकास झा की तस्वीर जारी किए जाने के बाद दरभंगा पुलिस मेसर्स अलंकार में हुई लूट में शामिल बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज से विकास झा की तस्वीर का मिलान करने में जुट गई है। पुलिस को शक है कि इस दरभंगा सोना लूट कांड के अलावा करीब 1 साल पूर्व बाकरगंज सोना लूट कांड में भी विकास झा का हाथ हो सकता है। फिलहाल विकास की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। उसकी गिरफ्तारी से वैशाली और मुजफ्फरपुर सोना लूटकांड के अलावा दरभंगा के बड़ा बाजार और बाकरगंज सोना लूटकांड का खुलासा होने की उम्मीद प्रबल हो गई है। उससे पूछताछ के बाद पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरबान तक पहुँच सबको सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो सकती है। माना जा रहा है कि इस गिरोह के तार कई प्रदेशों तक फैले हैं। विकास झा से पूछताछ के बाद सोना की बरामदगी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। विकास झा समस्तीपुर जिले के पगड़ा गांव का निवासी है। मेसर्स अलंकार लूटकांड में पुलिस शुरू से ही उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि वह सोना लुटेरा के नाम से कुख्यात है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा सोना लूटकांड को लेकर है। सोना लुटेरा के नाम से कुख्यात विकास झा फिलहाल चढ़ा है पुलिस के हत्थे। पूछताछ में दरभंगा सोना लूटकांड का भी हो सकता है खुलासा। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 बेसहारा जरूरतमंदों को बांटे जाएंगे कंबल। सदर अनुमंडल के सभी प्रखंडों को मिली राशि। 550 बेसहारा जरूरतमंदों को जिला प्रशासन की ओर से दिया जाएगा कंबल। सदर अनुमंडल के सभी प्रखंड को मिली राशि। नेहा नुपुर, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा ने बताया कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में सदर अनुमंडल दरभंगा के सभी 10 प्रखंडों को खादी ग्राम उद्योग सहयोग समिति लिमिटेड से कंबल क्रय कर 550 निर्धन निसहाय भिक्षुक एवं निसर्गजनों के बीच कंबल वितरण करने हेतु राशि आवंटित की गई है। मनिगाछी प्रखंड को 100, शेष 9 प्रखंड जिनमें दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमाननगर, सिंहवाड़ा, जाले, केवटी, बहेड़ी एवं ताड़ी को 50-50 कंबल क्रय करने के लिए राशि आवंटित की गई है। उपरोक्त सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धन, निसहाय, भिक्षुक एवं निसक जनों के बीच कंबल वितरण करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख या वार्ड सदस्य की भी सहभागिता ली जाए तथा वितरण के समय का फोटोग्राफ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा को उपलब्ध कराया जाए। धान अधिप्राप्ति विशेष अभियान को लेकर आयोजित हुई ऑनलाइन मीटिंग। धान अधिप्राप्ति विशेष अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। 28 से 31 दिसंबर तक धान देने वाले किसानों की बनेगी सूची। 1 से 10 जनवरी तक की तारीख तय करेंगे किसान। मुख्य सचिव बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में 28 से 31 दिसंबर 2020 तक धान अधिप्राप्ति के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिले के सभी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी एवं अधिकृत पैक्स अध्यक्ष के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम एवं जिला कृषि पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि राज्य स्तर पर ऐसी सूचना मिल रही है कि सभी किसानों को धान अधिप्राप्ति का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार द्वारा प्रत्येक गांव के किसानों का सर्वेक्षण कर उनसे संपर्क कर एवं उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर और उनके पास उपलब्ध धान की मात्रा जिसे वे बेचना चाहते हैं इसकी सूची बनाने के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को लगाया जा रहा है। इसलिए सभी किसान सलाहकार अपने अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी गाँवों का भ्रमण करके किसानों से संपर्क करेंगे। यदि किसी किसान के पास धान है और वह पैक्स को देना चाहते हैं तो उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, धान की मात्रा जिसे वे देना चाहते हैं तथा 1 से 10 जनवरी 2021 के बीच में किस दिन वे अपना धान पैक्स को देना चाहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर उनकी सूची बनाई जाए। प्रत्येक दिन संध्या में प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। 24 तारीख जमा किए हैं, आज तक नहीं हुआ है। ये 3 दिन बीच में जो पहले अपडेट हो रहा था, ये बीच में 3 दिन कितना फंडिंग है आपके पास अभी? 20 28 कब तक होगा? आज कंप्लीट हो गया।
समाप्त करना है। सरकार का सख्त निर्देश है 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर किसान को भुगतान होना चाहिए। सर एक चीज और है, जैसे एडवाइस वो लोग जनरेट कर देते हैं तो इनके इसमें दिखने लगता है, ये वेट करते हैं कि हमको हार्ड कॉपी मिले। हमारा कहना है कि ऑनलाइन अगर पेमेंट कर दें तो उसको होता क्या है कि 25 क्विंटल मान लीजिए बिरौल में खरीदा, टेम्पो से पकड़ी गई शराब, मोटरसाइकिल से शराब की सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार। ऑटो से बरामद हुई शराब की खेप कमतौल थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के पास पकड़ा गया टेम्पो। 36 लीटर सोफिया शराब पकड़ी गई जो कई कार्टूनों में रखी हुई थी। टेम्पो का नंबर BR07PB8649 है। वहीं दूसरी तरफ कमतौल चौक पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के क्रम में जितेंद्र पासवान नामक एक युवक को, जो मोटरसाइकिल से अवैध शराब ढो रहा था, शराब की सप्लाई देने दरभंगा आया था, इसी बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इसे जेल भेजा जा रहा था। यह युवक मधुबनी का रहने वाला बताया जा रहा है। 36 लीटर शराब जो 4 पेटियों में रखी हुई थी इसके पास से बरामद की गई है। हमने बात की उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल से। हम लोगों की जांच लगी हुई थी, ऐसे अभी लगातार रोज सुबह में मॉर्निंग में हम लोग जो कमतौल रोड है उसमें चेकिंग पॉइंट लगा रहे हैं। उसी तरफ से आते हुए टेम्पो कल सुबह में पकड़े थे, तो टेम्पो को छोड़ करके और अभी जो है भाग गया। उस पर 4 पेटी शराब लदा हुआ था, सोफिया नेपाली शराब। और आज सुबह भी वहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग लगाया तो एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का पकड़ाया है, जितेंद्र पासवान। वो मोटरसाइकिल से 4 पेटी शराब लेकर के दरभंगा पहुँचा रहा था। किसी को गिरफ्तार किए हैं दोनों, ये एक तो फरार है, उस पर DTO के यहाँ से टेम्पो का मालिक का नाम पता लगाया जा रहा है। जैसे ही पता लगेगा हम उसके खिलाफ में आरोप पत्र देंगे और इस लड़का को जेल भेज रहे हैं, जितेंद्र पासवान। कारोबार तो ये लगातार पहुंचाता है, जैसा इसको इसका एक्टिविटी से लग रहा है कि ये बहुत भेटनर है ये लड़का। कमतौल चौक से हम मॉर्निंग में हम लोग चेकिंग पॉइंट लगाए हुए थे, जो भी गाड़ी उधर से आ रही थी उसको जाँच रहे थे, उसी क्रम में पकड़े। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां, हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड, मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आग की लपटों में अचानक घिरे बिजली के पोल पर आपस में उलझे तार, टला बड़ा हादसा। दरभंगा सोना लूट कांड में STF को बड़ी कामयाबी, कई जगहों पर सोना लूट कांडों को अंजाम देने वाला विकास झा गिरफ्तार। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, सदर अनुमंडल के सभी प्रखंडों को मिली राशि। धान अधिप्राप्ति विशेष अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक।
टेम्पो से पकड़ी गई शराब, मोटरसाइकिल से शराब सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार। दरभंगा हवाई अड्डे पर नीलगाय बनी सबसे बड़ी समस्या, कई बार हो चुकी है हाई लेवल मीटिंग। कोविड 19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 15,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए नाम जुड़वाने हेतु नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर जारी। बिहार में कोरोना के 622 नए मरीज, आंकड़ा 2,51,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,234। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज। और संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत चल रही परीक्षा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कुलपति। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गाय बनी सबसे बड़ी समस्या, कई बार हो चुकी है हाई लेवल मीटिंग। दरभंगा हवाई अड्डे पर नील गाय बनी सबसे बड़ी समस्या, निदान के लिए कई बार हुई हाई लेवल मीटिंग। दरभंगा वायुसेना केंद्र में नागरिक विमान उड़ान सेवा के लिए बने दरभंगा एयरपोर्ट पर नील गाय एक गंभीर विषय बना हुआ है। चाहे अनचाहे नील गाय जंगल से निकलकर रनवे की तरफ आ ही जाती है, ऐसे में यहाँ कोई बड़ी घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। नील गायों की समस्या के समाधान हेतु समय रहते क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके लिए कई बार हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन ने जंगली जानवर से बचाव के लिए होमगार्ड के जवानों को तैनात करते हुए सरकार को जंगली जानवर से मुक्ति के लिए 56 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा है। नील गायों को हटाने में 1.5 से 2 माह का वक्त लगेगा। वहीं मिथिला वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाशम ने बताया कि नील गायों को ट्रैंकुलाइज यानी बेहोश करके दूसरे स्थान पर भेजने के प्रस्ताव के आलोक में 56 लाख रुपए का प्राकलन भेजा गया है। वर्तमान में उस क्षेत्र में जल जमाव है, जल जमाव की समाप्ति के उपरांत ही यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राशि प्राप्त होने के उपरांत नील गायों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नील गायों की समस्या के मद्देनजर सुरक्षित उड़ान के दृष्टिकोण से फिलहाल यहां नील गाय के लिए फेंसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। एयरपोर्ट में नीलगाय की समस्या को लेकर के अभी फेंसिंग का काम शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड को भी प्रतिनियुक्त की गई है और यथासंभव कोशिश की जा रही है कि सुरक्षित माहौल से फ्लाइट का परिचालन हो, लेकिन यह बहुत गंभीर विषय है। लेकर के कई राउंड बैठक हर स्तर पर हुआ है। केंद्र मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी का स्तर से भी रिसेंटली एक VC हुआ है। तो DFO जिला के DFO द्वारा विभाग में, राज्य सरकार के विभाग में भेजी गई है। उस पर जल्दी फैसले होने वाला है और हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करके नीलगायों को दूसरे जगह ट्रांसलोकेट करने का कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। इस पर कार्रवाई तेज़ी से चल रही है और सभी लोगों का संज्ञान में है और इस गंभीर बात को लेकर के हर स्तर पर गंभीरता व्यक्त की है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट का परिचालन नवंबर महीने में ही शुरू हो चुका है और वहाँ पे एक गंभीर समस्या ये है कि एयरपोर्ट परिसर के अंदर नील गाय और जंगली सुअर काफ़ी मात्रा में रहते हैं और कभी कभी वो रनवे पे भी आ जाते हैं, जिससे कि ये काफ़ी खतरा बना रहता है कि कभी फ्लाइट का जो ऑपरेशन है वो बाधित हो सकता है। इस संबंध में काफ़ी बार हमारी बैठक हो चुकी है, तो इसमें हमारा प्लान ये है कि जो नीलगाय हैं उन्हें ट्रैंक्विलाइज करके और हम उन्हें ट्रांसलोकेट करने वाले हैं। इस संबंध में यहाँ से प्रस्ताव बन करके मुख्यालय स्तर पर जा चुका है और उसकी अभी स्वीकृति हम लोग को नहीं मिली है, उसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसमें स्वीकृति मिलने के बाद भी अगर ग्राउंड कंडीशन ऐसा है कि ट्रैंकुलाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो जब तक से वहाँ की ज़मीन पूरी वाटर लॉगिंग समस्या से जब तक से उसकी निजात ना हो जाए तब तक से हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही जनवरी फरवरी के ठंड के बाद अगर पानी वहाँ पर पूरा सूख जाता है तो वहाँ की झाड़ी सफाई करके और ये ट्रैंकुलाइजेशन का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो लागत है वो 56 लाख का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से बना करके दिया गया है। एक ट्रांक्वी फोर्स नाम की एजेंसी है तेलंगाना की, जिन्होंने अपना DPR सबमिट किया था। वो लोग एक्सपर्ट हैं, वो बाकी जगह के भी एयरपोर्ट से नीलगाय और जो भी जंगली जानवर है उसे निकाल चुके हैं, तो उन्हीं के DPR से ये पूरा बनाया गया है। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है और हमें वर्क परमिट मिल जाता है तो संभवतः उन्हें ही इस काम के लिए बुलाया जाएगा। कोविड 19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक,
15,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड। कोविड 19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 15,624 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा हुआ अपलोड। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कोविड 19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी सह अध्यक्ष कोविड 19 टीकाकरण जिला टास्क फोर्स डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में जिला टास्क फोर्स की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड 19 टीकाकरण हेतु कोविड 19 वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम CVBMS पोर्टल पर 15,624 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड किया जा चुका है, जिनमें 12,734 सरकारी क्षेत्र के एवं 2,890 निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी हैं। उन्होंने प्रखंडवार स्वास्थ्य कर्मियों के प्राप्त डाटा से जिलाधिकारी को अवगत कराया। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें आशा, ANM, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी, आउटसोर्सिंग से जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी निजी क्लिनिक, ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा ने बताया कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज कैंपस में क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र है। यहाँ 2 WIC वॉक इन कूल है, जिनमें एक बड़ा WIC है जिसकी टीका भंडारण क्षमता 46 लाख डोज तथा दूसरी छोटी WIC की क्षमता 38 लाख डोज रखने की है। WIC में कोल्ड चेन 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अतिरिक्त जिले में 37 ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हैं, जिनमें प्रत्येक की टीका भंडारण क्षमता 25,000 डोज है। इनमें कई जगह छोटा ILR भी है जिसकी क्षमता 12,000 से 16,000 डोज है, जो सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल अस्पताल में उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में 80,20,000 डोज टीका भंडारण की क्षमता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 7 ILR एवं 19 डिफ्रीजर प्राप्त होने वाला है। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए नाम जुड़वाने हेतु नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर जारी। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए नाम जुड़वाने हेतु नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर हुआ जारी। कोरोना के प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए डाटा अपलोड किया जा रहा है। प्रथम चरण में निजी एवं सरकारी क्लिनिकों के स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाना है। यदि किसी कर्मी का नाम छूट गया है या किसी स्वास्थ्य कर्मी को अपना नाम जुड़वाना है तो कल तक अपना नाम जुड़वा लें। इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें टोल फ्री नंबर एवं हंटिंग लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6610, जबकि हंटिंग लाइन नंबर हैं 0620-254010-254014-254015-254015-254016-254017-254019-254022 है। जिला स्वास्थ्य समिति दरभंगा द्वारा यह जनहित में जारी किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। फॉर्मुलेटिंग क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 एकर्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स, नो रीएडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन जामा मस्जिद के सामने बाकरगंज लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आग की लपटों में अचानक घिरे बिजली के पोल पर आपस में उलझे तार, टला बड़ा हादसा। दरभंगा सोना लूटकांड में STF को बड़ी कामयाबी,
कई जगहों पर सोना लूट कांडों को अंजाम देने वाला विकास झा गिरफ्तार। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, सदर अनुमंडल के सभी प्रखंडों को मिली राशि। धान अधिप्राप्ति विशेष अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। टेम्पो से पकड़ी गई शराब, मोटरसाइकिल से शराब सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार। दरभंगा हवाई अड्डे पर नीलगाय बनी सबसे बड़ी समस्या, कई बार हो चुकी है हाई लेवल मीटिंग। कोविड 19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 15,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए नाम जुड़वाने हेतु नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर जारी। बिहार में कोरोना के 622 नए मरीज, आंकड़ा 2,51,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,234। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज। और संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत चल रही परीक्षा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कुलपति। बिहार में कोरोना के 622 नए मरीज, आंकड़ा 2,51,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,234। बिहार में कोरोना के 622 नए मरीज, आंकड़ा 2,51,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,234। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 622 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 2,51,338 तक पहुंच गई है, हालांकि टोटल एक्टिव केस 5,234 है। सबसे अधिक पटना में 245, अररिया में 8, अरवल में 10, औरंगाबाद में 47, बांका में 7, बेगूसराय में 27, भागलपुर में 15, भोजपुर में 8, बक्सर में 6, दरभंगा में 10, पूर्वी चंपारण में 6, गया में 12, गोपालगंज में 11, जमुई में 3, जहानाबाद में 13, कैमूर में 9, कटिहार में 6, खगड़िया में 3, किशनगंज में 8, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 9, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 46, नालंदा में 17, नवादा में 4, पूर्णिया में 8, रोहतास में 4, सहरसा में 9, समस्तीपुर में 5, सारण में 21, शेखपुरा में 2, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 13, सुपौल में 5 और वैशाली में 9 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज। दो दिनों तक थमे रहने के बाद दरभंगा में कोरोना मरीजों के आंकड़े ने लगाई छलांग, डबल डिजिट में मिले मरीज। 10 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार थमे रहने के बाद इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत चल रही परीक्षा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कुलपति। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 2020 वर्षीय उपशास्त्री, शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षा में केंद्र रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा पर दूसरी पाली में औचक निरीक्षण करने पहुंचे कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा। केंद्र अधीक्षक डॉक्टर दिनेश झा एवं पर्यवेक्षक डॉक्टर महानंद ठाकुर निरीक्षण के समय साथ थे। परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से पाई जाने पर संतोष व्यक्त किया गया। परीक्षा से संबंधित जानकारी भी केंद्र अधीक्षक से उन्होंने ली। ये जब तक के समाचार बिताएंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आग की लपटों में अचानक घिरे बिजली के पोल पर आपस में उलझे तार, टला बड़ा हादसा। दरभंगा सोना लूट कांड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, कई जगहों पर सोना लूट कांडों को अंजाम देने वाला विकास झा गिरफ्तार। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा 550 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल, सदर अनुमंडल के सभी प्रखंडों को मिली राशि। धान अधिप्राप्ति विशेष अभियान को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक। टेम्पो से पकड़ी गई शराब, मोटरसाइकिल से शराब सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार। दरभंगा हवाई अड्डे पर नीलगाय बनी सबसे बड़ी समस्या, कई बार हो चुकी है हाई लेवल मीटिंग। कोविड 19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, 15,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा अपलोड। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए नाम जुड़वाने हेतु नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नंबर जारी। बिहार में कोरोना के 622 नए मरीज, आंकड़ा 2,51,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,234। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, डबल डिजिट में मिले मरीज। और संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत चल रही परीक्षा का औचक निरीक्षण करने पहुंचे कुलपति।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय हिंद।